7/8 सितंबर की रात बाइक से बिना हेलमेट लगाए घर जाते दो वर्दीधारी जवानों को देखकर ट्रैफिक नियमों का हवाला देकर गाली गलौज करने तथा एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल तथा एक राजनीतिक पार्टी को बदनाम की साजिश के तहत वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने वाले मनमड़ों को क्राइम ब्रांच की टीम ने ढूंढ निकाला है, जिसमें क्राइम ब्रांच ने घटना में प्रयुक्त काले रंग की फोर व्हीलर, डस्टर गाड़ी तथा मोबाइल के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी मिर्जापुर पचपेड़वा निवासी रवि सोनकर पुत्र स्वर्गीय सोहन लाल तथा तनय श्रीवास्तव पुत्र प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जबकि मामले का मुख्य अभियुक्त श्याम सहानी उर्फ छोटू पुत्र बद्री सहानी निवासी जाहिदाबाद, आशीष सहानी उर्फ गौतम पुत्र जगन्नाथ सहानी तथा अफजल उर्फ कक्कू पुत्र अमीन खान अभी भी फरार है। गोरखनाथ थाने पर घटना का खुलासा करते हुए सीओ क्राइम प्रवीण सिंह ने बताया कि सरकार को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने मिलकर साजिश रची थी और इसमें एक चैनल का भी नाम लिया था। ये सभी नशे में थे, जिसमें से दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। शेष तीन अभियुक्तों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ क्राइम प्रवीण सिंह ने बताया। हेलमेट क्यों नहीं लगाया तुम? रुका युवक, हेलमेट क्यों नहीं लगा तुम? अरे लगेगा। अरे हम लोग का चलान करते हो तुम? हेलमेट क्यों नहीं लगाया? हेलमेट क्यों लगा रहे हेलमेट क्यों लगा रहे भाई? हेलमेट क्यों लगा भाई? हेलमेट क्यों लगा भाई? हेलमेट क्यों लगा तुम? हेलमेट क्यों लगा? बोल ना, बोल नाम, बोल नाम, बोल सरकार, बोल ना, हाँ बोल, बोल किस तरह का किए हैं? गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे, जिन्होंने ये सारी वीडियो बनाए और जिन्होंने ये चीज बोला वो श्याम सहानी थे जो गाड़ी चला रहे थे। हम लोगों की गलती थी, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए। आप लोगों ने विरोध नहीं किया? सर विरोध सर, हम कहाँ से आ रहे थे आप लोग? सर हम लोग यही नखा से, हमारे अफजल के यहाँ पार्टी हुई थी, क्या ये सारी चीजें उन्हीं से कही गई है। श्याम सहानी बद्री टिम्बर वाले लड़का है, बद्री टिम्बर, अच्छा, बद्री ज्वारा मशीन है यहाँ पे जाहिदाबाद पे। पार्टी का नाम कौन? पहले भी यहाँ मुकदमा, हाँ उसके ऊपर पहले भी यहाँ मुकदमा, सिर्फ एक प्रकार की छवि धूमिल करने के लिए। वो जो आप लोग और हैं, मतलब ये लोग भी थे पीछे? नहीं, ये लोग जैसे हमने पीछे से सर आवाज थी, जो चलान कटने की आवाज थी वो सर, हम लोग पीछे तीन लोग बैठे थे, केवल चलान वाली बात है। हम लोगों ने कोई गाली नहीं दी थी सर, गाली सिर्फ आगे वाली, नशे के हालत में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे, उन्हीं का चलान, मतलब चलान नहीं हुआ था इनका। ये चाह रहे थे कि मतलब ये उंगाड़ू खिलाफ उड़ रहे थे उनका चलान करने के लिए, जबकि नशे में धुत होके पार्टी करके लड़ रहे। 7/8 की रात में ये तिवारीपुर थाना क्षेत्र में ये त्यौहार ड्यूटी करके गोरखनाथ मंदिर से संबद्ध दो होमगार्ड एक कांस्टेबल की धर्मशाला चौकी होते हुए ठीक जा रहे थे। जो वीडियो ठीक वायरल हुआ था उसमें कुछ इसराती तत्वों ने, बदमाशों ने एक चार पहिया वाहन से जो सवार थे उन्होंने ठीक है प्रेस की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से, और उन्होंने उन दोनों होमगार्ड कांस्टेबल्स के साथ तो गाली गलौज किया और काफ़ी ज़्यादा अभद्रता की थी, और इसी का संज्ञान लिया गया यहाँ पे ठीक गोरखनाथ पुलिस के द्वारा, ठीक क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा कप्तान साहब के निर्देशन में, और मतलब इसी के क्रम में आज आपके सामने दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों अभियुक्त मिर्जापुर पचपेड़वा थाना गोरखनाथ के अंतर्गत रहने वाले हैं,
इसमें वो कार भी बरामद हुई है जिस कार का उपयोग उस घटना में किया गया था। इसके साथ साथ तीन इसके अन्य साथी हैं, उन लोगों का भी नाम आज प्रकाश में आया है। इस घटना में वो मोबाइल भी बरामद हुआ है जिसके माध्यम से इसे रिवायरल किया गया था, और मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस और इसके साथ साथ शासन की नीतियों और ये हमारे गोरखपुर के प्रेस को बदनाम करने का एक साजिश रची गई थी। ये मनबढ़ और अब तो बदमाश किस्म के हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त था जिसकी गाड़ी है वो छोटू सहानी जिसका नाम है, ये अरे श्याम सहानी उर्फ छोटू, ये मतलब इसके ऊपर अब तो पॉस्को एक्ट के तहत इसके पहले भी मुकदमा लिखा जा चुका है इसी अब थाना क्षेत्र के मतलब अंतर्गत। इन्हीं का एक मित्र था अफजल उर्फ कुक्कू जो आज मतलब विदेश गया है जैसी कि सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही है। इसी की पार्टी उस दिन थी, पार्टी करने के पश्चात ये लोग आ रहे थे और इन लोगों ने ठीक जानबूझ के अब तो साजिशन इसको वायरल किया और ये जो पूरा कांड था इसको इन्होंने मतलब अपने ये पूरे होशोहवास और संज्ञानता में किया। पार्टी का भी नाम दिया, पार्टी का भी नाम दिया गया था और चैनल का भी नाम दिया गया था, तो क्या वो मैं सिर्फ अपने स्तर पे यही कह सकता हूँ कि ये अरे छवि को धूमिल करने का एक प्रयास था। क्या करते हैं? तो बाकी चीज़ों की जांच की जा रही है कि क्यों ऐसा था। क्या करते हैं? ये कुछ नहीं करते, खिज मतलब यास किस्म के लड़के हैं, अब तो कोई इनका ठीक पढ़ाई लिखाई इस विशेष कोई सरोकार नहीं। वास्तविकता की जांच की गई, जब उसकी जांच की गई तो घटना पाया गया। तो मुकदमा